नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में काफी ज्यादा खुशखबरी वाली खबरें देने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों यहाँ पर पहली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें इजी जेट, ब्रिटिश एयरवेज और रायन एयरवेज और यहाँ पर एमिरेट्स, इन सभी के जो फेस मास्क वाले नियम है उनको एक बार पढ़ के जाना क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम इन लोगों ने लगा दिया है। दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है, आपको बता दें एयर इंडिया ने जो अपने एयर बबल वाली फ्लाइटें थी यूएस फ्रांस जैसी जगहों के लिए, ये आज से शुरू कर दी है फ्राइडे से। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकते हो। आपको बता दें यहाँ पर एयर फ्रांस जो है वो ऑपरेट करने जा रहा है 28 फ्लाइटें दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के लिए। ठीक है, अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है अमेरिकन एयरलाइन की तरफ से, जेट ब्लू की तरफ से। और यहाँ पर ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट अलायंस के लिए जो फ्लाइटें हैं वो अपनी प्लान कर रही है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर एमिरेट्स से निकल कर आ रही है, आपको बता दें एमिरेट्स के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मतलब पैसेंजर्स की सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाए। और यहाँ पर अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर निकल कर आ रही है हरदीप सिंह पुरी को लेकर। हरदीप सिंह पुरी ने एक बार कल फिर से मीटिंग करी और उस मीटिंग में डोमेस्टिक फ्लाइटों को भी लेकर कुछ जानकारी दी गई है। वैसे तो इंटरनेशनल फ्लाइटों के बारे में थी वो मीटिंग, जिसमें कि इंटरनेशनल फ्लाइटों को चालू करने के साथ काफ़ी ज़्यादा और बातें हुई, जिसमें कि डोमेस्टिक फ्लाइटों के लिए कहा गया कि यहाँ पर एयर फेयर जो है डोमेस्टिक फ्लाइटों का उस पर कैप लगाया जाएगा और ये 24 अगस्त तक लगा रहेगा, ऐसा हिंट दिया है हरदीप सिंह पुरी ने। वहीं एयर इंडिया के बारे में भी उन्होंने कहा, एयर इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि मतलब अभी एयर इंडिया को प्राइवेट करना ही पड़ेगा, यानी एयर इंडिया को गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करेगी, एयर इंडिया को प्राइवेट करना ही पड़ेगा। अब अगली खबर की बात करते हैं जो कि यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से निकल कर आ रही है, आपको बता दें इंडिगो एयरलाइंस ने करीब करीब अब तक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से 75,000 लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया लेकर आ चुकी है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर DGCA से निकल कर आ रही है, आपको बता दें DGCA ने भारतीय ATC को कहा है कि यहाँ पर जितने भी अनऑर्थोराइज्ड चार्टर्ड प्लेन हैं जो कि UAE से लैंड हो रहे हैं उनको अलाउ नहीं किया जाए। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज से अगेन निकल कर आ रही है, आपको बता दें क्वीन ऑफ द स्काई कहे जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज के 747 फ्लीट, बोइंग 747 फ्लीट को अब पूरी तरीके से ब्रिटिश एयरवेज ने रिटायर कर दिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कुछ जो और बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर एविएशन सेक्टर को राहत मिली है और आज से जो इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं वो शुरू हो जाएंगी एयर बबल के तहत। तो बस ये है, कंप्लीट डिटेल कैसे लेके आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त विनायक, मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।